वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में कहा कि सच्चाई बेखौफ रहती है। उनकी टिप्पणी विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों के दक्षिण दिल्ली के लाडोसराय और हरियाणा के गुरुग्राम में ट्विटर के कार्यालयों में अपने अधिकारियों को नोटिस देने के एक दिन बाद आई है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी खत के जरिए ट्विटर के अधिकारियों से बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों पर फर्जी दस्तावेज प्रचारित करने पर कार्रवाई की मांग की है। कथित टूलकिट जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में ट्विटर इंडिया कार्यालयों के दरवाजे तक पहुंचने के एक दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने एक ट्वीट में कहा कि सच्चाई बेखौफ रहती है। उनकी टिप्पणी स्पेशल सेल के अधिकारियों के दक्षिण दिल्ली के लाडोसराय और हरियाणा के गुरुग्राम में ट्विटर के कार्यालयों में अपने अधिकारियों को नोटिस देने के एक दिन बाद आई है। हालांकि ट्विटर के कार्यालय बंद पाए गए। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस की टीम नियमित प्रक्रिया के तहत ट्विटर को नोटिस देने के लिए ट्विटर कार्यालय गई थी। ये आवश्यक था क्योंकि हम ये पता लगाना चाहते थे कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन है। इसके जवाब के रूप में ट्विटर इंडिया के MD बहुत अस्पष्ट लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कथित कांग्रेस टूलकिट की प्रारंभिक जांच शुरू की है और मनीष माहेश्वरी को 21 मई को नोटिस दिया था। पिछले सप्ताह ट्विटर ने कथित टूलकिट से संबंधित पात्रा के ट्वीट को छेड़छाड़ किया हुआ बताया था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने एक टूलकिट बनाकर कोरोना वायरस के नए स्वरूप को इंडियन वेरिएंट या मोदी स्वरूप बताया और देश तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि बीजेपी उसे बदनाम करने के लिए फर्जी टूलकिट का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पुलिस की जालसाजी का मामला भी दर्ज कराया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्विटर के अधिकारियों को उन सभी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं के ट्वीट साझा किए जिसमें उन्होंने कथित टूलकिट को कांग्रेस का बताते हुए प्रचारित किया। कांग्रेस नेता ने उसी आधार पर बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग ट्विटर से की है। कैबिनेट के मंत्री समेत IT के मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने इस ट्विटर हैंडल को, इस मैनिपुलेटेड मीडिया को यूज किया था, जब उनकी ढोल की पोल खुलती नजर आई तो अब दिल्ली पुलिस के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हो गई है। जिस आधार पर पहले फर्जी या अपुष्ट दस्तावेज प्रचारित करने पर की गई थी। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़।